फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे JKSSB क्लास फोर्थ की एक न्यू अपडेट, JKSSB क्लास फोर्थ के एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने एक बार फिर से प्रोटेस्ट किया। तो चलिए हम लोग जो है सीधे ही देख लेते हैं कि JKSSB क्लास फोर्थ एस्पिरेंट्स की क्या क्या डिमांड्स हैं। और ये डिमांड जो है ये उन कैंडिडेट्स की हैं जिनकी वेरिफिकेशन जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, CID वेरिफिकेशन, ये सब कुछ हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है उनको नहीं लिया जा रहा। तो चलिए हम लोग जो है सीधा उधर देख लेते हैं कि एस्पिरेंट्स की क्या डिमांड्स हैं। कि हमारा एग्ज़ाम हुआ था, हमने एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया था, उसके बाद हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, उसके बाद हमारी पुलिस वेरिफिकेशन हुई, देन उसके बाद CID वेरिफिकेशन हुई, सभी वेरिफिकेशन है, सब कुछ हुई। उसके बाद सर 8535 स्टूडेंट्स की वैकेंसी पे उन्होंने 5500 स्टूडेंट्स को फाइनलाइज किया था। फाइनलाइज करने के बाद 5100 स्टूडेंट्स को इन्होंने फाइनल उनको अपना अपना डिपार्टमेंट एलोकेट किया और 352 स्टूडेंट्स को विदाउट एनी नोटिस, विदाउट एनी रीज़न बाहर कर दिया। सर टोटल 8575 वैकेंसीज थी, 4 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। अच्छा। उसके बाद जिन्होंने पेपर क्वालिफाई किया उसमें, उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट्स को मतलब। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग जो हैं पूरी तरह से सुन पा रहे हैं कि ये सभी वही कैडेट्स हैं जिनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनमें से भी JKSSB ने सभी कैडेट्स को जो है नहीं लिया और उनके साथ जो है उनके कैरियर के साथ यहाँ पे JKSSB की तरफ से खिलवाड़ किया जा रहा है। JK यूथ के साथ जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पोस्टर्स में भी कि हम जो हैं JKSSB क्लास फोर एस्पिरेंट किस तरह से यहाँ पे डिमांड्स कर रहे हैं अपने। हालांकि यहाँ पे सर किसी भी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को ऐसा नहीं करना चाहिए कि यूथ अपने यूथ के साथ ऐसा करेंगे तो भाई कैसे कोई भी कंट्री जो है वो कैसे डेवलपमेंट पर जाएगी। अगर एक कंट्री के यूथ जो है वो सड़कों पर है, हालाँकि वो कुछ भी भीख नहीं मांग रहा, आपसे अपना जस्टिस मांग रहा, अपने राइट्स मांग रहा, उन्होंने एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया हुआ, फिर भी आप लोग जो है उनको नहीं ले रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता है? आगे सुनिए और एस्पिरेंट्स की क्या डिमांड्स हैं। स्टूडेंट्स को मतलब उन्होंने फाइनलाइज किया, उसके बाद हमारी सब कुछ हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, CID वेरिफिकेशन हुई, पुलिस वेरिफिकेशन हुई। उसके बाद जब हमारी इन्होंने प्रोविजनल लिस्ट निकाली, उन्होंने निकाली थी 5000 कुछ बच्चों की, 5300 बच्चों की निकाली थी, तो उसमें से इन्होंने उसके बाद जिनको डिपार्टमेंट दिए वो सिर्फ 5000 बच्चों को डिपार्टमेंट दिए, जिसमें से 350 बच्चों को निकाल दिया। उसमें से भी इन्होंने, उसके बाद इन्होंने एक और लिस्ट निकाली, 350 बच्चों में से भी इन्होंने आधे बच्चों को ले लिया था। अच्छा। और हमें नहीं लिया उसमें, मतलब कि हमारा सब कुछ सेम था, बट उनको ले लिया और हमें नहीं लिया। फिलहाल इजाजत दीजिए।